सपा सांसद आजम खान को सब परिवार रामपुर जेल से सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। पत्नी और बेटे के साथ जेल भेजे गए आजम खान को गुरुवार तड़के 5 बजे ही सीतापुर की जेल के लिए ट्रांसफर कर दिया गया, जहां अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात करी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और सांसद आजम खान की रात इन दिनों सलाखों के पीछे कट रही। रामपुर कोर्ट ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को जेल भेज दिया है। बुधवार को आजम एंड फैमिली को रामपुर कोर्ट ने 7 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद आज सुबह 5 बजे आजम को सीतापुर जेल ट्रांसफर कर दिया गया, जहाँ वो 2 मार्च तक जेल में रहेंगे। जो कोर्ट के आदेश से हुआ है, जिसके लिए स्वयं आजम खान जी जो सांसद हैं रामपुर के और उनकी पत्नी उनके बेटे जमानत के लिए गए। अब कोर्ट जमानत दे ना दे ये कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विषय है, और अगर कोई मामले में वो जमानत नहीं प्राप्त कर सके तो जेल तो एक सिस्टम है। हम लोग भी जेल गए हैं, वो भी जेल गए हैं। ऐसे तमाम जो भी इस प्रकार के अपराध होते हैं, कोर्ट अगर कोई निर्देश देता है जमानत नहीं स्वीकार की जाती है तो उस स्थिति में जो संबंधित व्यक्ति होता है उसको जेल जाना पड़ता है। तो आजम खान और उनके परिवार को भी जेल जाना पड़ा है। आजम खान पर इस समय 80 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से कई मामलों में न्यायालय ने उनको हाजिर होने का आदेश दिया था। अदालत की ओर से पेश होने के कई बार आदेश होने के बाद भी आजम खान गैर हाजिर होते रहे। हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रामपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जिसके बाद कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका से पुलिस आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की जिला जेल से सीतापुर ले गई। मेरी जानकारी में है कि उनके खिलाफ बहुत लोगों ने शिकायत किया, जिस पर जांच चल रही थी, कानून अपना काम कर रहा था और कोर्ट ने निर्णय किया और कोर्ट के निर्णय के अनुसार वो जेल गए हैं और उसमें कानून काम कर रहा है, उसमें कोई पार्टी का लेना देना नहीं। समाजवादी पार्टी के सभी सदस्यों ने प्रदेश की जनगणना में, देश की जनगणना में जातिवार जनगणना कराए जाने की मांग रखी। नियम 105 के तहत जातिवार जनगणना कराई जाए, और जातिवार जनगणना इसलिए कराई जाए कि जब सभी जातियों की जनगणना हो जाएगी तो कोई किसी के हक को हकतलफी नहीं कर पाएगा, कोई किसी के हक पर अतिक्रमण नहीं करेगा। SIT ने जल निगम भर्ती घोटाले में चार्जशीट दाखिल करने की मांग की। 1300 भर्तियों में गड़बड़ियों की जांच SIT ने 2017 में शुरू की थी। SIT ने धारा 420, 409, 120B, 201 के तहत FIR दर्ज की थी। जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में हुई गड़बड़ियों की जांच चल रही है। जौहर यूनिवर्सिटी की आड़ में आजम पर विदेश में निवेश का आरोप। ED ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया है। रामपुर में आजम खान के खिलाफ 83 मुकदमे दर्ज हैं। हमसफर रिजॉर्ट की जमीन पर अवैध कब्जा करने, आचार संहिता से जुड़े मामले भी दर्ज हैं। सपा सांसद आजम अब्दुल्ला के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने जेल भेजा तो सपाइयों ने BJP सरकार पर आजम को परेशान करने के आरोप लगा दिए। UP के रामपुर से सांसद और SP के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं, तो दूसरी तरफ आजम की गिरफ्तारी को लेकर BJP और सपा आमने सामने आ गए। गौरव तिवारी, सीतापुर, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।